हे गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरपी का ब्लॉग्स के एक और ब्रांड वीडियो में। मेरा नाम है अनुराग। दोस्तों, पहले तो आपसे माफी चाहूंगा कि इतने दिन से आप लोगों को मैं वीडियो लाके नहीं दे पा रहा था, लेकिन अब आप लोगों को मैं रेगुलर वीडियो लाके देने वाला हूं। आज मैं आया हुआ हूं जबलपुर के मशहूर डीलरशिप ऑटो चॉइस में, जहां दिखाने वाला हूं आपको स्कॉर्पियो का शानदार स्टॉक। यहां जितनी भी आपको स्कॉर्पियो दिख रही हैं, सारे ही मॉडल आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं, जिसको दिखाने जुड़ने वाले हैं हमसे हर्षित भैया। हर्षित भैया, आपका अनुराग भैया स्वागत है। बिल्कुल, बहुत दिन दिन में गाड़ी लेके नहीं आ रहे हो, चैनल डाउन आप नहीं आ रहे भैया? गाड़ियां तो हमारे पास हमेशा स्टॉक पर रहती हैं, आप नहीं आ रहे हैं। अब आप बड़े बड़े वीडियोस बनाने दिल्ली कहीं बाहर भोपाल जबलपुर का भी लेके आएंगे। आज क्या दिखाने वाले, कितनी गाड़ी दिखाने? आज अपन स्कॉर्पियो दिखाने वाले हैं। 6 गाड़ियां अपने पास स्कॉर्पियो में जी, लो बजट से चालू है और टॉप मॉडल तक है गाड़ियां अपने पास। जी जी जी, कहाँ आना पड़ेगा, एड्रेस क्या होता है? गाड़ी देखने आपको आना पड़ेगा भैया जबलपुर रानीताल चौक पे, मदन महल स्टेशन रोड, द ऑटो चॉइस कार शोरूम, चिराई हॉस्पिटल के बाजू में। पहले पूछ लेता हूँ, कोई गाड़ी एक्सीडेंटल तो नहीं मिलेगी? एक्सीडेंटल गाड़ियों पे अपन डील नहीं करते। मैकेनिकल इशू, इंजन वगैरह का कोई इशू आपको मिलेगा नहीं। डॉक्यूमेंट सब गाड़ियों के क्लियर है, कोई भी फाइनेंस पे नहीं है, गाड़ियाँ सारी क्लियर है। आपको फाइनेंस कराना है, अगर आप एमपी से हैं तो एमपी वालों के लिए डील है। एमपी में आप कहीं से भी है तो हम फाइनेंस करा देंगे आपको। मतलब सारी वीडियो जो आपको मिलती है यार ऑल ओवर इंडिया के मिलती है, लेकिन ये जो हम वीडियो बना ये जो वीडियो पर्टिकुलर ये एमपी वालों के लिए है। और कैश एमपी वाले ही कॉल करें, कैश में भी, कैश में जिसको लेना कहीं से भी ले सकते हैं ना। बिल्कुल ओके। अगर आपको फाइनेंस कराना है तो भाई आपको एमपी का होना, आपका आधार कार्ड यहाँ का होना जरूरी है, आपका सिविल अच्छा होना चाहिए। शुरुआत किससे करने वाले? शुरुआत अपन सबसे स्टार्टिंग से करते हैं जी। 2017 की S2 मॉडल है ये अपने पास जी। इसका प्राइस अपन ने रखा हुआ है 8 लाख रुपए जी। बट वीडियो के माध्यम से कोई भाई आएगा तो उसके लिए डिस्काउंट हो जाएगा। फर्स्ट ओनर गाड़ी है, फर्स्ट पार्टी इंश्योर्ड है, चली कंडीशन बहुत अच्छी है, 72,000 चली हुई है गाड़ी। ओके, S2 वेरिएंट है, आपको सारी कंडीशन मिल जाएगी। टायर्स वगैरह फ्रेश है, पर टायर्स का तो आपको पता है अच्छे ही मिलेंगे अपने यहाँ। टायर इनके नए मिलते हैं आपको, कि आपको कोई भी करवाना ना पड़े। इंश्योरेंस कंप्लीट गाड़ी में? हाँ बिल्कुल, इंश्योरेंस कंप्लीट, काम आपको कुछ भी गाड़ी पे कहीं नहीं कराना पड़ेगा, इवन सर्विस वगैरह भी अपडेटेड है गाड़ी। ये बताओ डीपी कितनी लगेगी इसमें? डीपी 1 से 1.5 भी कोई जमा करेगा अपन फाइनेंस करा देंगे, हो जाएगा फाइनेंस। बिल्कुल, 17 मॉडल गाड़ी है, 6.5 लाख रुपए तक इसमें फंडिंग हो जाएगी। 6.5 फंडिंग हो जाएगी भैया ने आपको। आपका सिविल अच्छा होना चाहिए, पेपर्स अच्छे होने चाहिए आपके। और कम तो होगा ना उसमें 8 में? बिल्कुल कम होगा ना भैया, क्यों नहीं होगा। जी जी जी, तो ये भाई पहली गाड़ी है जो आप 1 से 1.5 लाख रुपए की डीपी जमा करके यहाँ से ले सकते हैं। प्राइस जो भी आपको बता रहे उसमें थोड़ा बहुत आपका नेगोशिएशन जरूर होगा। अगर आपको नहीं होता है भाई तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। आगे आइए, इसका बताइए। 2018 की S3 मॉडल है। ये लोगो आपने सब में अलग से लगवाए ना? बिल्कुल, ये क्लासिक की बैचिंग है इसमें। इसमें स्टेयरिंग व्हील पे भी क्लासिक मिलेगा आपको, डिक्की में भी मोनो क्लासिक का मिलेगा। अच्छा, गाड़ी ये तो बताओ, जैसे लोग बोल रहे हैं यार क्लासिक अब इतने क्या है, लगे क्लासिक और इसमें फर्क क्या है? मतलब कुछ तो होगा, थोड़ा बहुत तो फर्क है यार, बॉडी शेप में भी थोड़ा सा अंतर है और गाड़ी भी वेटेड में हल्की है। हल्की है ना, तो भाई कंपनी कहीं ना कहीं प्राइस कम करती है तो कहीं ना कहीं कटौती तो करती है। पावर में भी डाउन है मेरे ख्याल से इंजन वगैरह में। पावर तो लगभग सेम है बट वो BS6 में है, और ये आपकी जो गाड़ी है ये आपको BS4 में मिलेंगी। ये तो इसमें आपको यूरिया वगैरह का कोई इशू नहीं है। ओके, सिर्फ डीजल डलाओ और चलाओ, उनमें डीजल प्लस यूरिया भी डलवाओ। ओके ओके, एक मेंटेनेंस और बढ़ जाता है उसमें। जी जी, सर्विस कॉस्ट बढ़ जाती है। इसका बताइए क्या होने वाला? इसका प्राइस अभी है 9 लाख रुपए जी। 2018 की S3 मॉडल है, 10वें महीने की गाड़ी है, चारों टायर जगह पे नए हैं बिल्कुल, अभी ब्रिजस्टोन के जी। न्यू बैटरी है, दोनों चाबी, सर्विस बुक सब है, 55,000 विद कंपनी रिकॉर्ड पे चली हुई है गाड़ी। ओके भाई, देखो भाई गाड़ियां बहुत सारी हैं इसलिए भी आपको बार बार से दिखा रहा हूँ, लेकिन अगर आपको इन गाड़ी की फोटो चाहिए तो मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो उसको ज्वाइन कर लें। जो भी अच्छी गाड़ी आती है, बहुत टाइम से नहीं आ रही आप लोग जरूर बोलेंगे, लेकिन अब आपको रेगुलर उसमें फोटो भी देखने के लिए मिल जाएगी, तो जो भी अच्छी गाड़ी आती है अपन उसमें डाल देते हैं। प्राइस 9 लाख, प्राइस 9 लाख रुपए है इसका भैया, और सिटिंग में 19-20 हो जाएगा। डीपी बताओ, डीपी भैया जिसके लिए डीपी, इस पे भी अगर अच्छा किसी के पेपर है तो सेम थिंग है, 1 से 1.5 जमा करेंगे अपन, फाइनेंस करा देंगे। करा दोगे? 8 लाख रुपए तक इसमें फाइनेंस हो सकता है, आपके डॉक्यूमेंट सिविल अच्छा होना चाहिए। मतलब इसकी आईडीबी वैल्यू अच्छी है? बिल्कुल ओके, आईडीबी वैल्यू है 9 लाख रुपए की। 9 लाख रुपए ओके, ये भी मिल जाएगी आपको। 2 लाख की डीपी देखे, इसका बताइए, सॉरी 1.5 लाख की डीपी देखे, इसका बताइए। ये 2020 का मॉडल है भैया, ये भी S3 मॉडल है, 2020 की है, कुल 45,000 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है, टायर चारों नए हैं गाड़ी पे, ओनर फर्स्ट है, इंश्योरेंस फर्स्ट है गाड़ी पे। ओके, इसका प्राइस होने वाला है 10,50,000 रुपए। मतलब देखा जाए तो धीरे धीरे अपन 8 लाख शुरू कर रहे हैं और ऊपर प्राइस बढ़ता जा रहा है, मॉडल सारे वेरिएंट आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएंगे। ये भी S3 वो भी S3 है ना? बिल्कुल, लेकिन ये ऊपर का मॉडल है, ये 2020 का है, ये 2018 का है, ये 55 चली है, ये 45 चली है, सिर्फ 45,000 चली, इतनी कम स्कॉर्पियो चली आपको देखने के लिए नहीं मिलती है। प्राइस इसका 10,50,000 रुपए 10,50,000, 10 लाख के ऊपर ले आए हो आपने, थोड़ा बहुत तो कम कर देना उसमें। होगा ना भैया, ये तो 10-50 रेट है, आप आइए वीडियो के माध्यम से। okay. सिटिंग पे 19-20 प्राइस में हो जाएगा, फिक्स प्राइस नहीं है, बैठ के सिटिंग में प्राइस हो जाएगा। ओके okay. चौथी गाड़ी आज की, चौथी गाड़ी टॉप मॉडल, काफी लोगों को चाहिए भैया, टॉप मॉडल चाहिए, ज्यादा बजट नहीं है।
बिल्कुल कंपनी फिटेड है इसमें तो S10 है, टॉप मॉडल गाड़ी है। हाँ। ये 2017 का मॉडल है, ये भी फर्स्ट ओनर है, फर्स्ट पार्टी इंश्योर्ड है जी। और लगभग 62,000 किलोमीटर चली हुई है ये गाड़ी। अच्छा, बहुत से लोगों को समझ नहीं आता, जैसे वो S3 है, हाँ। ये S10 है, अलग अलग चीजें क्या मिलती है इसमें? भैया ये स्टार्टअप वेरियंट है, ये टॉप वेरियंट है। अच्छा, इस पे अलॉय व्हील, एयर बैग, ABS। और नई कितने की आती है बता देना, तो लोग बोलेंगे भाई। नई गाड़ी लगभग मेरे ख्याल से S10 19.5 लाख रुपए की आती थी जी। ये अपने पास जो गाड़ी है 11 लाख रुपए की ओनर की डिमांड है, सिटिंग में 19-20 हो जाएगा। 17 का मॉडल है, 62,000 किलोमीटर चली हुई है। फर्स्ट ओनर गाड़ी है, फर्स्ट ओनर है, फर्स्ट पार्टी इंश्योर्ड है। जितनी भी गाड़ियां अपने पास है आपको सब में पेपर्स कंप्लीट मिलेंगे, सारी गाड़ियां फर्स्ट ओनर मिलेंगी भाई। फर्स्ट ओनर गाड़ियां हैं, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कराना है, इंश्योरेंस आपका कंप्लीट मिल रहा है, फाइनल ट्रांसफर तो यहीं से करा देते हो आप। बिल्कुल है ना, बिना ट्रांसफर के तो अपन गाड़ी देते भी नहीं, और आपको रिकमेंड भी नहीं करते हैं कि भाई बिना ट्रांसफर के आप गाड़ी लो, क्योंकि आपको बहुत रिस्क होता है। ये कितने की है प्राइस? 11 लाख। प्राइस इसका 11 लाख रुपए। ओके, 17 है भाई, इसलिए 11 लाख, वो 11 लाख रुपए बता रहे हैं, तो ये भी और महंगी जाती थी जितना मैंने देखा। S10 है ये जी जी जी, इसका बताओ यार, इसका लोगो चेंज नहीं कराया आपने? हाँ, ये S7 है, अपने अपने कस्टमर्स की सबकी चॉइस रहती है जी। S7 है, इसमें लोगो जरूर चेंज नहीं है, बट इसमें क्लासिक के अलॉय मिलेंगे आपको, ब्लैक कलर के डुअल टोन पे अलॉय है जी। ये मॉडिफिकेशन है थोड़े बहुत आपको देखने मिल रहे हैं, ये कंपनी फिटेड है, अलग से है ये, अलग से लगवा। S7 वेरिएंट है ये, S7 में अलॉय नहीं आते, एयरबैग, ABS, इनबिल्ट सिस्टम, बैक वाइपर, डिफॉगर, ये चीजें आती हैं इसमें। प्रोजेक्टर लैंप मिल जाते हैं आपको, और क्लासिक के बढ़िया अलॉय व्हील इन्हें लगवाए हुए, टायर्स चारों नए, ओनर फर्स्ट है, इंश्योरेंस फर्स्ट पार्टी है गाड़ी। इसका प्राइस है 11.5 लाख रुपए। 11.5 जी, 11.5 से अच्छा तो भाई वो ले लो ना, आपको टॉप मॉडल मिल जाएगी देखने के लिए, वो भी अपनी चॉइस। किसी को 17 में नहीं जाना, हमको 18 की चाहिए, 19 की, एक साल का फर्क है भैया, कुछ नहीं होता। बाकी मुझे बताओ, जितनी गाड़ी बाहर से अच्छी दिख रही है उतनी अंदर से भी अच्छी? बिल्कुल, अंदर से भी आपको लेदर सीट कवर वगैरह सारी चीजें बिल्कुल वेल फिनिश मिलेगी। जैसे मैंने अभी आपको 18 की S3 दिखाई थी, उसमें एंड्रॉइड प्लेयर, कैमरा वगैरह सब चीजें हैं। नहीं, कई लोग कमेंट करते हैं ना यार, अंदर से दिखाई नहीं गया, गाड़ी खराब है। इसके लिए आप, नंबर है मेरा, आप नंबर पर कॉल करके पर्सनली फोटोज ले सकते हैं जी। सभी गाड़ी की पूरी चारों साइड की फोटोज, इंटीरियर आउटर की आपको मिल जाएगी जी। डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ पे ग्रुप मिल रहा है, आप इसको ज्वाइन कर ही सकते हैं। लास्ट गाड़ी आज की, बिल्कुल इस पे भी चेंज नहीं हुआ है, चलो बताएं। ये 2020 की गाड़ी है भैया जी, 67,000 किलोमीटर चली हुई है, 67,000 चली हुई है गाड़ी। ये आपका S5 वेरिएंट है, सारी दिखा दिया आपने, S5 भी है, 7 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 10 भी है जी। S5 वेरिएंट है भैया, 2020 का मॉडल है, फर्स्ट ओनर है, फर्स्ट पार्टी इंश्योर्ड है गाड़ी, कंडीशन बहुत अच्छी है, 67,000 जेन्युइन चली हुई गाड़ी है ये जी। और इसका प्राइस ओनर की जो एक्सपेक्टेशन है 11,60,000 रुपए है। मतलब देखा जाए तो 8 से 12 के बीच में आप लोगों को यहाँ पे 6 स्कॉर्पियो देखने मिल रही है, सारे वेरिएंट देखने के लिए मिल रहे हैं सारे में। M-Hawk भी है, M2DICR भी है, जिसकी जैसा यूज, जैसी चॉइस, और फाइनेंस अपन MP में कहीं से भी करा देंगे। 1 से 1.5 लाख रुपए सारी गाड़ी में हो जाएगा, 1 से 1.5 लाख रुपए DP करेंगे, बट उसमें एक कंडीशन ये है कि आपका सिविल अच्छा होना चाहिए, सोर्स ऑफ इनकम के डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपके पास, और आप हर किसी बंदे को 1.5 फाइनेंस नहीं होती। एक्चुअल क्या, वीडियो के माध्यम में भी थोड़ा सा देख के कंफ्यूज हो जाता है कि भैया मेरे पास 1.5 लाख है, मैं आ जाऊँ ले लूँ, तो भैया वो डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर के ऊपर, डिपेंड करता है आपके सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर, आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है दिखाने के लिए, है ना। नहीं, बहुत से स्टूडेंट भी मैच करते हैं ना, भैया मेरा हो जाएगा, हाँ मेरा हो जाएगा, तो भाई उनका नहीं हो पाएगा, आप अपने पापा के डॉक्यूमेंट लेके आए, अगर वो जॉब वगैरह में। फाइनेंस कितना होना है ये आपके पर्सनल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है, आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। जो हम यहाँ पे फाइनेंस अमाउंट बता रहे हैं, अगर सब कुछ अच्छा तो ये मैक्सिमम फंडिंग हो जाती है। ओके ओके ओके, बाकी दोस्तों ये रही अपनी एक स्कॉर्पियो की वीडियो, इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को और भी अच्छा और भी किसी भाई का अगर बजट कम है कि नहीं भैया, बजट मेरा कम है पर गाड़ी चाहिए, हाँ तो मेरा कहना ये एक ऑप्शन ये भी बहुत अच्छा है, 45,000 किलोमीटर चली हुई है जी, फर्स्ट ओनर व्हीकल है, फर्स्ट पार्टी इंश्योर्ड है, चारों टायर अभी नए हैं जी, और कंडीशन बहुत अच्छी है गाड़ी की, पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि बहुत प्यारी गाड़ी है, ये भी देख सकते हैं, और रेट भी बहुत कम है इसका, 7,25,000 रुपए। 7,25,000 जी, 2017 की, फर्स्ट ओनर, फर्स्ट पार्टी इंश्योर्ड, T6+ वेरिएंट है, चलो एयरबैग, ABS, इनबिल्ट सिस्टम, और टायर सभी जगह पे नए हैं, बत्ती अभी नहीं मिटी टायर्स की। ओके ओके ओके, बाकी दोस्तों ये रही आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको दिखाया है स्कॉर्पियो, साथ में TV भी दिखा दिए हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी यूज करने वाली वीडियो लेके आते रहते हैं। हम मिलेंगे आप लोगों से एक और शानदार वीडियो, तक के लिए जय हिंद।